बिहार, झारखंड, रांची ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। अभिनव तिवारी FCA से एक विशेष भेंट में उन्होंने NPS नेशनल पेंशन स्कीम के विषय में विशेष जानकारी दी है। ये तो रहा आपके NPS के मोडस ऑपरेंडी, कैसे काम होता है। अब हम जानेंगे NPS में अकाउंट कितने तरह के होते हैं। तो NPS में दो अकाउंट होता है, टीयर वन अकाउंट और टीयर टू अकाउंट। टीयर वन अकाउंट जो है वो कंपलसरी है, मतलब कि आप NPS में सब्सक्रिप्शन लेते हो, NPS में एनरोलमेंट कराते हो, आपका प्राण नंबर मिलता है, तो टीयर वन अकाउंट जो है वो बाय डिफॉल्ट अपने आप आपके लिए खुल जाता है, बेसिक अकाउंट कहते हैं इसे। दूसरा होता है टीयर टू अकाउंट, ये ऑप्शनल है, अगर कोई सब्सक्राइबर चाहे तो टीयर टू अकाउंट के लिए अप्लाई कर सकता है, टीयर टू अकाउंट खोल सकता है। होता क्या है इन दोनों चीज में, जो टीयर वन अकाउंट होता है वो बेसिक अकाउंट होता है, आपके जो पैसे आप डालते हैं NPS में वो बेसिक अकाउंट में जाता है, उसका आपको टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। टीयर टू अकाउंट जो होता है वो बिल्कुल शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के जैसा है, आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से टीयर टू अकाउंट खोलते हो, वहां पे आपको बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, आप कभी भी पैसे डाल सकते हो, कभी भी पैसे निकाल सकते हो। हमने देखा कि टीयर वन अकाउंट में हम लोग सिर्फ 3 साल के बाद पैसे निकाल सकते हैं और 25% पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन टीयर टू अकाउंट में हम लोग साल में जितनी बार भी पैसे डालना चाहे डाल सकते हैं, जितनी बार भी पैसे निकालना चाहे निकाल सकते हैं, बिल्कुल बैंक अकाउंट की तरह होता है। टीयर टू अकाउंट के फायदे तो है, परंतु टीयर टू अकाउंट का नुकसान क्या है कि जो भी कंट्रीब्यूशन आप टीयर टू अकाउंट में डालते हैं उसमें आपको टैक्स की छूट नहीं मिलती है, आपको टैक्स की छूट सिर्फ उसी में मिलेगी जो कंट्रीब्यूशन आपने टीयर वन अकाउंट में किया। तो ये दो तरह के अकाउंट होते हैं। अच्छा, अब आपका जो कॉर्पस क्रिएट होता है NPS का, वो जो आप इन्वेस्ट करते हो वो बहुत ह्यूज कॉर्पस क्रिएट होता है, उस ह्यूज कॉर्पस से आप दो हिस्से में इसे बांट सकते हैं, एक हिस्सा जो आप लमसम पेमेंट लेते हैं और एक हिस्सा जो आप एन्यूटी आपकी बनती है, आपको जो पेंशन मिलता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो NPS में एक विन विन सिचुएशन सा होता है, थ्रू आउट द लाइफ जब आप कमाते हैं पैसे, आप NPS में पैसे डालते हैं तो उसकी आपको टैक्स छूट मिलती है, पूरी जीवन भर आपको उस पर टैक्स छूट मिलती है, उस पर जो कमाई होती है उस कमाई में आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है, और जब आपकी उम्र 60 साल की हो जाती है, आप रिटायर होने के एज में आ जाते हैं, तो आपको उससे पेंशन भी मिलता है। तो मतलब ये दोनों हाथ में लड्डू वाली बात है, आपको टैक्स की भी छूट मिली और आपको पेंशन भी मिला, और एक पेंशन जो है वो रिटायरमेंट के बाद बहुत बड़ा सहारा होता है। रिटायरमेंट के बाद व्यक्ति की कमाई कम हो जाती है, रेगुलर इनकम कम हो जाता है, उनको पेंशन जब मिलता है तो बैठे बैठे वो सुखदायी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। इसलिए अपने भविष्य के बारे में जरूर सोचना चाहिए और एक पेंशन स्कीम जरूर लेनी चाहिए। और भी बहुत सारी स्कीम्स अवेलेबल है, लाइफ इंश्योरेंस की स्कीमें हैं जो आपको पेंशन देती है, लेकिन उसमें इस तरह के बेनिफिट्स नहीं है, इस तरह के टैक्स छूट वाले इस तरह के बेनिफिट्स नहीं है, उसकी टैक्स छूट जो है वो 1.5 लाख तक के अंदर ही सीमित है। आप अगर किसी इंश्योरेंस कंपनी से पेंशन स्कीम लेते हैं तो क्या है कि 1.5 लाख के अंतर ही वो उसकी टैक्स छूट सीमित की गई है, लेकिन NPS में जो 80CCD 1B धारा है उसके अंतर्गत 1.5 लाख के ऊपर अतिरिक्त साल के 50,000 की टैक्स छूट मिली हुई है। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि एक आइडियल सिचुएशन में, जैसे हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि 25 साल का व्यक्ति अगर NPS में अपना खाता खुलवाता है और वो पैसे डालता है तो उसका पैसा कितना बढ़ेगा, वो हम एक कैलकुलेशन करके देखने की कोशिश करेंगे, समझने की इसको कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पर कुछ एजम्पशंस लेते हैं, कुछ मान्यताएं लेकर चलते हैं। जैसे व्यक्ति की उम्र 25 साल है और वो NPS में कंट्रीब्यूशन करना चालू करता है, ठीक है। दूसरा यह मान के चलते हैं कि उसके साथ जो, जैसे वो LIC भी करता है, उसके PF जमा होते हैं, PPF में पैसा जमा कर रहा है, बच्चों की ट्यूशन फी है, ये सब लेकर के 1.5 लाख उनका पूरा हो रहा है। तो हम सिर्फ 1.5 लाख के ऊपर जो NPS की छूट मिल रही उसकी बात कर रहे हैं, 50,000 रुपये की। तो ऑल सिटीजन मॉडल में भी किसी भी व्यक्ति को ये 50,000 की छूट मिलती है। तो हम मान के चलते हैं कि वो जो 25 वर्ष का व्यक्ति है, 25 वर्ष आयु का व्यक्ति, वो 50,000 रुपये हर साल NPS में डालता है टैक्स छूट पाने के लिए। तो हर साल अगर 50,000 रुपये डालता है उसका फंड कैसे क्रिएट होगा, ये हमें कैलकुलेशन करके समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति जिसकी आयु 25 वर्ष है वो NPS में पैसा डालना शुरू करता है, तो 25 वर्ष से वो 60 वर्ष की आयु तक NPS में पैसे डालेगा, तो वो कुल 35 वर्ष तक NPS में पैसे डालेगा, ठीक है। हम मानकर चल रहे हैं कि उसकी जो सेविंग्स है इनकम टैक्स छूट लेने के प्रति, तो 1.5 लाख रुपए ऑलरेडी उसकी कंप्लीट हो जाती है। वो जो 80CCD 1B में वो 50,000 के अतिरिक्त छूट लेने के लिए साल में सिर्फ 50,000 रुपये ही NPS में डाल रहा है, हम सिर्फ टैक्स छूट लेने के एंगल से अभी देख रहे हैं। तो अगर वो साल का 50,000 रुपये ही सिर्फ डालता है, और हम मान के चलते हैं कि अभी जो ट्रेंड चल रहा है, अभी जो पुरानी डेटा अवेलेबल हुई है कि NPS में 8 से 10% तक का रिटर्न्स मिलता है,
तो हम इसका एवरेज 9% रिटर्न भी मानकर चले कि एनपीएस अभी 9% भी अगर देता है और जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है रिटायरमेंट के बाद पेंशन एन्युटी जो उसके 40% उसको पेंशन बनवाना होगा एन्युटी के लिए कॉर्पस बनाना होगा वो 40% ही वो रखता है तो 60 साल की उम्र के बाद उसका एक कॉर्पस क्रिएट होगा और जैसा हमने डिस्कस किया कि 60 साल के बाद जो 40% का कॉर्पस वो जो पेंशन के लिए रखेंगे उसपे भी उसको फर्दर रिटर्न्स मिलते रहेंगे तो हम मान के चलते हैं कि वो 6% हो अभी हम 9% मिल रहा है आगे जाकर मार्केट का सिनेरियो अगर बढ़ता है घटता है तो हम सेफ साइड उसको 6% मान के चलते हैं कि एट द एज ऑफ 60 उसका जो पेंशन फंड 40% क्रिएट होता है उसपे उसको 6% का रिटर्न्स मिलता है तो अब हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे उस व्यक्ति के जेब से कितने पैसे गए उस व्यक्ति ने 35 साल तक हर वर्ष 50,000 रुपए एनपीएस के खाते में डाले तो 35 गुना 50,000 17,50,000 रुपए उसके जेब से सरकार के खाते में गए अब इस पे अगर 9% के हिसाब से कैलकुलेट किया जाए तो 60 साल की उम्र में उसका जो लमसम कॉर्पस क्रिएट होगा जो 60% कॉर्पस क्रिएट होगा वो 74,00,000 रुपए तक क्रिएट हो जाता है और जो 40% पेंशन फंड उसका बनेगा वो 50,00,000 रुपए तक का पेंशन फंड बन जाता है मतलब उसने पूरी आयु में 17,50,000 रुपए गवर्नमेंट को दिए और उसके फंड में पैसे जमा हो जाते हैं जो कि उसकी कमाई जो बढ़ते जाती है इन्वेस्टमेंट से वो 74,00,000 रुपए 60% वैल्यू और बैलेंस 40% वैल्यू जिसका पेंशन उसे मिलेगा वो हो जाते हैं 50,00,000 रुपए ये टोटल फंड जो है 1,24,00,000 रुपए का कॉर्पस उनको तैयार हो जाता है 1,24,00,000 का कॉर्पस के साथ साथ उनको टैक्स सेविंग भी मिलती है ये जो 17,50,000 रुपए उन्होंने कंट्रीब्यूट किया मान के चलते हैं कि उनको 20% टैक्स लगता है प्रतिवर्ष तो 17,50,000 रुपए का 20% यानी कि 3,50,000 रुपए उनको टैक्स की छूट भी मिल जाती है लेकिन हमने देखा कि ये जो 60% कॉर्पस है इसमें से 20% का कॉर्पस में रिटायरमेंट के टाइम पे टैक्स देना होता है तो ये जो 20% का कॉर्पस है उस पे 4,96,000 रुपए टैक्स उन्हें चुकाना पड़ेगा तो कुल हिसाब करने के बाद 1,22,54,000 रुपए उनको एनपीएस के खाते में जमा मिलेंगे अगर वो प्रतिवर्ष 25 वर्ष की आयु से 50,000 रुपए प्रतिवर्ष वो एनपीएस में जमा करते हैं तो रिटायरमेंट के एज में 60 साल के एज में उन्हें खाते में 1,22,54,000 रुपया नेट ऑफ टैक्स जमा हो जाएगा 1,22,54,000 रुपया मिला हमें 17,50,000 रुपए जमा करके इसका हम अगर रिटर्न का परसेंटेज निकालते हैं तो ये 600% आता है 600% 35 साल के लिए यानी कि प्रतिवर्ष ये 17% के आसपास आता है तो टैक्स के बेनिफिट और इन्वेस्टमेंट में जो रिटर्न्स आ रहा है टोटल जोड़ करके 17% तक का 17% पर एनम का बेनिफिट एनपीएस आपको देता है टैक्स छूट वगैरह सारा कंसिडर करके।